हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलेम मार्केट्स का। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सब तो हम जानते ही हैं। अगर आपने नहीं अभी तक इसके बारे में सुना है तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। ये कहा जाता है कि आप जितना कंपाउंडिंग अपना कैपिटल को करेंगे उतना आप बेटर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, और इक्विटी मार्केट के अंदर में कंपाउंडिंग बहुत मैजिकल वर्क करता है। लेकिन कैश मार्केट के अंदर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और डेरिवेटिव जो है माना जाता है कि बड़ा डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है। एक गेस्ट आज मुझे मिले जिन्होंने कैश मार्केट और डेरिवेटिव को यूज करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज किया। बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन आज होने वाला है दोस्तों, स्पेशली आप अगर मार्केट में फुल टाइम नहीं है और पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, कैश मार्केट और ऑप्शंस को यूज करके कंपाउंडिंग पे प्ले करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखिएगा, जैसा कि हर बार होता है, लंबा चलेगा लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज के जो मेरे गेस्ट है वो बहुत ही आम आदमी है और उन्होंने अपना एक निश क्रिएट कर रखा है। कैश मार्केट में सही स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और ऑप्शन से उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में एडिशनल रिटर्न जनरेट करते हैं जो उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो लेट मी वेलकम फॉर दिस इंटरेक्शन रजनीश मित्तल जी को। हेलो रजनीश जी। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, सब ईश्वर की कृपा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप किस शहर से हैं? सर मैं हरिद्वार से हूँ, ये उत्तराखंड में आता है। हाँ अरे वाह, हरिद्वार तो मतलब उत्तराखंड में क्या, हम सबके दिल में आता है ये। सर बिल्कुल, माँ गंगा की कृपा यहाँ बस रहती है, भोलेनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की ससुराल भी कहते हैं इसको। जी, बहुत ही प्यारा शहर है। तो आप फुल टाइम मार्केट के अंदर में? सर हाँ, अभी मैं फुल टाइम मार्केट में हूँ सर, इंटरेस्टिंग। लगभग 6-7 घंटे जो ट्रेडिंग के होते हैं उसके बाद मैं 6 घंटे और देता हूँ अपने आप को रीड करने के लिए मार्केट में और अपने आप को सुधारने के लिए। क्या बात है, मेरा तो अल्टीमेटली 6+3। 12 घंटे का ये वो रहता है, लगभग सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मेरा लगभग रहता है। सही है, तो आप एक्चुअल में फुल टाइम लगे हुए हैं, बट आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या फुल टाइम इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए है कि वो पार्ट टाइम भी कोई है तो वो कर सकता है? सर आज की जो वीडियो है बेसिकली मेरी एक तरह से जो नए रिटेलर आ रहे हैं बाजार में उनके लिए है कि कैसे वो कम समय देकर, जो कोई रिटेलर अपने काम में लगा हुआ है, किसी की दुकान है, कोई बिजनेस में है, कोई शॉपकीपर है, कैसे थोड़ा सा समय लगाकर अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है और कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है। बहुत सही, बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। और मैंने आपका पीपीटी भी देखा था, तो मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी सर, मैं अच्छा। एज ए सब ब्रोकर रहा 2009 से 2015 तक, तो मेरे को एज ए सब ब्रोकर में मैं डीलर भी काम में ही करता था एज ए डीलर, तो अच्छा, मेरे को जो थोड़ा बहुत समय मिलता था, जो भी मेरी ब्रोकरेज इकट्ठी होती थी उसको मैं इन्वेस्ट कर देता था। वो तो अभी आप सब ब्रोकर नहीं है, अभी मैं सब ब्रोकर नहीं हूँ। आप फुल टाइम मार्केट में हैं, आपकी घर घर परिवार जीवनी इसी से चलती है, और बिल्कुल, आप अच्छा, और आप ट्रेडिंग करते हैं लाइक डेरिवेटिव्स पे, बहुत एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं? थोड़ा बहुत करता हूँ सर, थोड़ा बहुत आपसे भी सीख रहा हूँ। RS-55 एक मॉडल आपका है जो मैंने अपनाया है, अभी उस पर भी वर्किंग चालू करी है सर कुछ बहुत समय सही, से, और मेरे को उसमें अप्रिसिएशन भी मिला है। नाइस नाइस नाइस, वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दिस। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है इट्स फॉर एब्सोल्युटली आम आदमी जो कैश मार्केट में और डेरिवेटिव ऑप्शंस में काम करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल पैसे की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये वेल्थ की बात हो रही है। तो की आज का बात है सर। इंटरेस्टिंग, हाँ वही, आज बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। तो रजनीश जी, आप स्क्रीन शेयर करिए और बस काम आगे बढ़ाइए। हाँ जी विवेक, विवेक सर हाँ मेरा थोड़ा सा परिचय है, मैं जी, एक आम आदमी हूँ सर, एज ए ग्रोसरी रिटेलर मैंने किराने की दुकान से अपना आजीविका की शुरुआत की थी, जी और फैमिली भी कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि स्टॉक मार्केट में किसी को नॉलेज थी। इवन थोड़ा सा मेरे को डिसएडवांटेज ही रहा कि सबने मेरे को थोड़ा सा रोका कि भाई सही जगह नहीं है जहां तुम जा रहे हो। तो ये 2006 की बात है, मैं जॉब कर रहा था रिलायंस पेट्रोल पंप पे, तो उनके शेयर बाजार का बड़ा बूम हो रखा था 2006 में, अखबारों में खूब हेडलाइंस आती थी, तो मैंने भी अकाउंट खोला पार्श्वनाथ के आईपीओ के थ्रू, मैंने
पहली बार इन्वेस्टमेंट किया शेयर बाजार में, हम्म, मुझे याद है कि लगभग 300 रुपए के अलॉटमेंट मेरे को मिली थी और 570 पे मेरे वो शेयर बिक गए थे विद इन 15 डेज ऑफ टाइम। तो मेरे लिए तो जैसे वो लॉटरी थी, क्योंकि बींगा जॉब में जितने पैसे आते थे उतने तो एफ ट्रेड में आ गए थे। तो जब आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर आप उसके पीछे लग जाते हो, नेचुरल बात है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना शुरू किया शेयर मार्केट में, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जो सैलरी मिलती थी 2007 में, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। तो उस दौरान मतलब जो भी लिया उसमें प्रॉफिट हुआ। फिर F&O में भी काम करना शुरू किया। केवल एक ही दौर देखा था उस समय बाजार का 2007 में, कि बाजार तेज ही होता है, कुछ भी ले लो आप अगले दिन तेज हो जाता है। उस टाइप का बुल रन आई थिंक मैंने अभी तक नहीं देखा है पिछले 15 सालों, जो बुल रन 2007 में आया था। तो कैपिटल बड़ी अच्छी अप्रिशिएट हुई, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरी 4 लाख में तब्दील हो गई एक साल में। लेकिन वही ये बात है कि 2008 में जब क्रैश आया बाजार का, तो क्योंकि लिवरेज पोजिशन थी, F&O में बैट्स थी, तो वो सब कुछ एक तरह से खत्म हो गई पोजिशन। उसके बाद हिम्मत करके एक दो बार फिर बोरो किए पैसे, अपने पे इतने थे नहीं, लेकिन वो सब मतलब बाजार में, क्योंकि कोई अपने अपने को किसी डिसिप्लिन पे काम नहीं करना आता था, तो वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए। तो फिर 2008 में मैंने शेर खान को ज्वाइन किया एज ए बैक ऑफिस ऑपरेशंस। तो वहां मैंने लगभग 7-8 महीने जॉब करी, और वो पूरा का पूरा दौर मंदी का रहा 2008 में, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की पूरी मंदी थी बस उसमें। आपने ज्वाइन किया और मंदी आई। सर उसका भी एक वो है कि रिलायंस पेट्रोल पंप पे जब मैं था ना, तो रिलायंस पेट्रोल पंप बंद हो गए थे ये फरवरी 2008 में, हाँ, बीइंग क्योंकि क्रूड बहुत तेज हो गया था, उन्होंने बंद कर दिया था। $20 हो गया था। हाँ हाँ तो जो हाँ PSU ऑयल कंपनीज थी उनको तो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया था बॉन्ड्स के जी थ्रू, लेकिन जी रिलायंस को उसमें 10 से 12 लीटर का नुकसान हो रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। तो रिलायंस ने मेकअप कर लिया कि ऑल इंडिया में मैं ऑपरेशंस बंद कर रहा हूँ, तो वो जॉब भी चली गई, और कुछ काम आता नहीं था। शेयर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कि मेरठ में ना शेर खान की ब्रांच खुलने वाली है, तो आप शेर खान में इंटरव्यू दो। मैं दिल्ली गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, और एज ए मैं बैक ऑफिस ऑपरेशन में शेयर खान में ज्वाइन हो गया। तो वहां मैंने 7-8 महीने में ये ऑब्जर्व किया कि वट एवर द मार्केट कंडीशन, ब्रोकरेज तो जनरेट होती है, मतलब ब्रोकरेज एक मतलब एक्टिव इनकम आती है, पैसे आती चली जाती है, और उसमें आपको उतार चढ़ाव का इतना ज्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि बैक ऐसे और कोई नहीं थी, कोई पैसिव इनकम अलग से नहीं थी। तो मैंने ये मन बनाया कि मैं अपना सब ब्रोकरशिप स्टार्ट करूँ। तो 2009 फरवरी में मैंने एज ए सब ब्रोकर अपना ऑफिस खोला, और इसमें लक ने मेरा बड़ा साथ दिया। 2009 में जब फरवरी में मैंने स्टार्टिंग करी, तो मार्केट का लगभग बॉटम था, मुझे ऐसा याद है कि सेंसेक्स 9,500 था, और जितने भी उस समय हमने अकाउंट खोले, क्लाइंटों को इंट्रोड्यूस किया, उन सब ने बड़ा पैसा कमाया, उनका पोर्टफोलियो भी ग्रोथ हुआ। मार्केट में लोगों ने डबल सर्किट देखा 3-4 महीने बाद, जब UPA 2 की गवर्नमेंट आई। तो जब सबको प्रॉफिट होता है तो नेचुरल बात है आपका व्यापार भी बढ़ता है। तो सब ब्रोकरशिप ठीक चल रही थी। 2015 तक आते आते मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो ब्रोकिंग हम चार्ज कर रहे थे 2009-10 में, 5 पैसा लग का ट्रेंड था, एक नॉर्मल ट्रेंड था, और कोई क्लाइंट उसके लिए FN बट नहीं करता था। तो धीरे धीरे सेचुएशन पे आ रही है, यानी एक एक पैसा, नए नए ब्रोकर आ रहे हैं, बजाज कैपिटल आ गया, नए एक्सचेंज आ रहे थे, MCX SX आ गया, तो ब्रोकरेज ना बड़ी श्रिंक हो गई। मेरे को लगा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का हाल है ना, कि भाई पहले कॉल होती थी फिर इनकमिंग भी फ्री हो गई, मेरे को लगा इसमें ना कुछ ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को ही थोड़ा सा तैयार करो बाजार के लिए और अपना काम करो। तो फिर बस मैंने 2015 में सब ब्रोकरशिप तो सरेंडर कर दी, क्योंकि वो भी फुल टाइम काम था, अगर उसमें आप लगे रहते तो आप अपना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बीइंग अ क्लाइंट ओरिएंटेड, आपको पहले तो क्लाइंट है आप बाद में। फिर मैं 2016 में एक साल का मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा लर्न किया, सीखा, और 2016 से मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ अपना। सही है। और फुल टाइम काम मतलब हो गया कि मार्केट से ही आपकी अर्निंग है। बहुत मेरी सही। सारी अर्निंग मार्केट से है, और मैं जो भी आज मेरे पे 10 रुपए भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट से हैं। नाइस नाइस नाइस, मेरे चलिए पे गुड। पैरेंटल कुछ नहीं है, इवन मैंने
मतलब स्टार्ट जो किया मेरे पे कुछ मतलब पेरेंटल मेरे पे कुछ नहीं अर्निंग थी, चलिए कोई सपोर्ट नहीं थी। नाइस नाइस गुड, अच्छा लगा आपके बारे में जान के। बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी है और डेफिनेटली आपने एबनॉर्मल काम किया है, तो वी लाइक टू नो मोर अबाउट कि वो एबनॉर्मल काम क्या आपने किया और आप कैसे उसमें से रिटर्न जनरेट करें। सर थोड़ा सा मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपको जी, उसके आधार पे हम आगे चलेंगे। हुँ. सर मेरा सिंपल ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर को आइडेंटिफाई करते हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके वो आपको एक तरह से कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है और वही आपकी वेल्थ का साधन बनता है। तो उसी पे मेरी ये प्रेजेंटेशन बेस्ड है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑप्शंस का सहारा और लिया है जिससे मैं अपनी रिटर्न को और थोड़ा सा उसमें डेल्टा क्रिएट कर सकूं। सर मेरा ये है कि सिंप्लिसिटी के साथ कैसे हम कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो जो कंपनी ग्रो कर रही है थोड़ा सा हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जितने भी आपकी इंडेक्स की टॉप कंपनीज हैं, इंडेक्स में आने का मतलब ये है कि वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इंडिया की, सीजीसी मतलब उनकी बात है। एक उनका पास्ट रिकॉर्ड है 20 इयर्स का, 25 इयर्स का, 30 इयर्स का। अगर आप उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कैसे मतलब अपने आप को ग्रो करती है टाइम टू टाइम। तो उनमें से अच्छे स्टॉक्स को छांटना, उन्हें लंबे समय के लिए रखना। यहाँ केवल मैंने 2-3 साल लिखा है कि इतना कम से कम नजरिया आपका होना चाहिए, अदरवाइज ये चीज आपकी 5-10-15 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो भी मेरे पे डिविडेंड आता है या मेरे को भी कोई बायबैक वैल्यू मिलती है या और भी कोई उसमें कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू मेरे को अगर उसमें अर्निंग आ रही है तो मैं उसको रीइन्वेस्ट कर देता हूँ उसी शेयर में, मैं उसको कैश नहीं करता हूँ। उससे क्या मेरी इक्विटी भी बढ़ जाती है। दूसरा पार्ट है मेरा इसमें ऑप्शन, मैं क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करता हूँ इसमें, तो जो भी ऑप्शन के थ्रू मुझे हर महीने उसमें अर्निंग आ रही है उसको भी मैं उसी शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ, रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। और मेरी होल्डिंग बढ़ती चली जाती है टाइम टू टाइम। दूसरा है सर कि हम स्टॉक कैसे इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो पहली चीज तो ग्रोथ है सर, कंपनी में अगर ग्रोथ है तभी वो आगे बढ़ेगी। केवल वैल्यू के आधार पे आप उसको प्राइस एप्रिशिएट नहीं कर पाता शेयर, ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। अब ग्रोथ के लिए सेक्टर में भी ग्रोथ होनी है तो कंपनी को एक और एक 11 का एडवांटेज मिल जाता है। अगर सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, जैसे पीछे 2 साल में मेटल ने ग्रो किया तो मेटल में चाहे छोटी कंपनी थी चाहे बड़ी थी वो सभी एक तरफा ग्रो करती चली गई। टाइम टू टाइम होता है सर, आईटी चलता है सारा आईटी चलता है, फार्मा चलता है सारा फार्मा चलता है। तो थोड़ा सा सेक्टर को भी ध्यान में रखते हैं और उसके साथ कंपनी को भी। और कम से कम आपको इसमें 2-3 साल का नजरिया एक दिखना चाहिए कि हाँ अगले 2-3 साल कम से कम इस कंपनी के लिए मेरे को ठीक लगते हैं। उससे ज्यादा का नजरिया आप आज के समय में नहीं ले सकते क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रखे हैं कि अगर आप 10-15 साल का नजरिया लोगे ना तो आप कहीं ना कहीं बैक हो जाओगे बाजार से। 2-3 साल एक ठीक एवरेज है कि उसमें आपको विजिबिलिटी भी दिख जाती है और उसको आप फिर अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। कोई एक एग्जांपल दीजिए स्टॉक का। सर एग्जांपल जैसे एचडीएफसी हो गया। एचडीएफसी मेरी मोस्ट ऑफ द वेल्थ मेरी एचडीएफसी से है तो मेरा थोड़ा सा बायसनेस उसके लिए, लेकिन बाकी और भी हैं सर। जैसे मान लो आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी में जाओ तो लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरे को काफी अच्छा लगता है क्योंकि बीइंग अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर्टी में मुश्किल से इंडिया में 2-3 कंपनी ऐसी हैं जो आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ दे सकती है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर तो बहुत बड़ा है, वैल्यू तो बहुत बड़ी है इसमें, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से इसमें केवल 2-3 कंपनियां बचती हैं। और आपका लाइक आईटी कंपनी में टीसीएस है, इंफोसिस है, एससीएल टेक है, पेंट में हो गया। सर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो अपने सेक्टर में लीडर्स हैं वो सारी की सारी बढ़िया कंपनीज हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लाइक पेंट में एशियन हो गया, पेडिलाइट हो गया। उसके बाद आता है सर जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें मिसमैच हो रही है। जैसे कि कई बार आपका साइक्लिकल इंडस्ट्रीज लाइक आपका ऑयल्स कंपनीज में बहुत होता है ऐसा कि सेल्स और रेवेन्यू तो बहुत बड़े बड़े आते हैं लेकिन प्रॉफिट में वो चीज नहीं दिखती, तो वो शेयर अंडर परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता मार्केट के साथ।
ये चीज इन सिंक होनी चाहिए कि टॉप लाइन के साथ बॉटम लाइन कभी मिस मैच होना जरूरी है सर। ओके आगे चलते हैं सर, दूसरी चीज मैनेजमेंट है। ये सबसे बड़े मतलब क्रिटिकल पार्ट है, लोग बाग इसको बहुत ज्यादा मतलब जो एक आम रिटेलर है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। नहीं, बट अगर टॉप 50 स्टॉक्स में देखेंगे तो मैनेजमेंट तो अच्छा ही होगा, नहीं तो कंपनी निफ्टी में कैसे आती है? सर मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है और मैनेजमेंट की एक क्रेडिबिलिटी होती है। लाइक बात करें जैसे HDFC ग्रुप है, तो HDFC ग्रुप को ना हर शेयर के लिए एक अलग प्रीमियम मिलता है बाजार में। लाइक आपका इंफोसिस है उसको एक अलग प्रीमियम मिलता है, लाइक TCS है, टाटा की जितनी कंपनी उनको अलग प्रीमियम मिल जाता है, क्योंकि इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना बेहतर हो जाता है कि बाजार उसको फिर वैल्यू में वो आपको दिखता है कि कोई भी शेयर मान लिया उसी सेक्टर का एक 15 की पी पे चल रहा है, एक 25-30 की पी पे चल रहा है, तो जो पी का डिफरेंस है वो काफी हद तक मैनेजमेंट से ताल्लुक रखता है सर। पर वही मैं कह रहा हूँ ना कि टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर में तो कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसका मैनेजमेंट आप खराब बोलेंगे। सर नहीं, मैं खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें केवल एक सेग्रीगेशन है कि आपको कौन सा और बेहतर लगता है। अच्छा, 50 कंपनियों में से आप 50 में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 50 में करने की जरूरत भी नहीं है। एक दो स्टॉक बहुत होता है सर आपको वेल्थ बनाने के लिए। मान लिया आप किसी बड़े इन्वेस्टर की बात करें, जैसे हमारे यहाँ राकेश झुंझुनवाला साहब का नाम बड़ा पॉपुलर है रिटेलर्स के लिए, सभी के लिए, तो उनकी मोस्ट ऑफ द वेल्थ आपकी लुपिन और टाइटन से आती है सर। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, कंपनीज आप 2-4-5 कंपनीज सफिशियंट है अपने पोर्टफोलियो को आगे ले जाने के लिए सर। ओके तो मैनेजमेंट ही सर कंपनी को आगे ले जाता है, बींग कंपनी है तो केवल एक स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट ही उसको आगे ले जाता है सर। तो लीडरशिप अगर बढ़िया है तो वो विजन देखती है और वो विजन रियलिटी में आता है। उसके बाद ये कुछ नाम है सर जिन पे मेरा ट्रस्ट है और जो एक अच्छा अपना रेपुटेशन रखते हैं बाजार में। श्योर। उसके बाद सर एक आता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इसमें क्या है ना सर, हर कंपनी की एक अपनी यूनिक एडवांटेज होती है, जैसे कि मैंने इसमें नीचे एग्जांपल लिखे हैं। लाइक पिडिलाइट है, पिडिलाइट है तो मान लिया एक नर्सरी में पढ़ता हुआ बच्चा या एक लाइफ के हर डेकेड में आपको इसका प्रोडक्ट यूज करना होता है। तो मान लिया आप दुकान पे जाते हो और फेविकोल मांगते हो, तो आपके दिमाग में फेविकोल जो ब्रांड है ना वो पिडिलाइट का ब्रांड है, चाहे वो आपको दे कोई सा भी, लेकिन आप फेविकोल ही मांगो। यही एशियन पेंट है, अपने लीडर के सेक्टर में मतलब सबसे बड़े लीडर रहेंगे। और HDFC हुआ, टाइटन हुआ, अल्ट्राटेक, ये कुछ एग्जांपल्स है सर। इसके बाद सर कुछ एडिशनल फिल्टर है जो मैं यूज करता हूँ स्टॉक छांटने के लिए। कंपनी बहुत ज्यादा मतलब उस पर लिवरेज नहीं होनी चाहिए, लिवरेज से मतलब है कि कर्जा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल का अगर है तो वो एक अलग बात है। कैश फ्लोस पॉजिटिव होने चाहिए कंपनी के, पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन तो माल बेच रहा है तो पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ती जा रही है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उस शेयर से हट जाता हूँ। मुझे अभी भी रजनीश जी एक पॉइंट आपका समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया है ये लार्ज क्या बड़ी कंपनी जिसमें ऑप्शंस एक्टिव है उनमें मुझे क्यों चाहिए, वो तो ऑलरेडी उनमें ये क्राइटेरिया मीट होगा ही होगा। कोई एक कंपनी बताइए जिसमें क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। सर पीछे काफी कंपनियां ऐसी रही हैं, जैसे आपका यस बैंक था, तो यस बैंक में होल्डिंग बढ़ती चली गई, धीरे धीरे F&O से बाहर हो गया, तो ये आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि अगर शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें अलग से एक फिल्टर हो जाता है कि भाई उसकी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग कैसे चल रही है। तो मतलब वो समझ गया मैं, ठीक है, मतलब वो तो चलिए यस बैंक के केस है, बट हाँ आप सही बोल रहे हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन का भी मेरे को याद है कुछ ऐसे ही हुआ था। जब कंपनी ऊपर से गिरती है ना तो 10-20% में वो बढ़िया कंपनी नजर आती है, आपको ये नहीं पता होता कि वो जब 70-80% नीचे आ जाती है ना तब पता चलता है कि इसमें क्या दिक्कत है, वो दिक्कत 10-20% में इंडेक्स के शेयर में कभी समझ में नहीं आती।
सही बात है। तो आपको एक क्वार्टरली बेसिस पे देखना पड़ेगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि प्राइसिंग पावर बड़े इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, चाहे हम ओके कितना भी माल खरीद लें हम प्राइसिंग नहीं दे पाएंगे उसको। तो अगर लगातार उसकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग सब जगह से कम होती जा रही है, वो धीरे धीरे वो पब्लिक के आता जा रहा है, तो एक क्राइटेरिया काफी बड़ा है जस्टिफाई करने के लिए कि शेयर आगे अंडर परफॉर्म करने वाला है। श्योर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर एक इसमें आता है कि रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं होने चाहिए, जैसे लाइक आपकी इंडेक्स की बात करें तो ONGC भी उसमें है, लेकिन अगर आप उसको 10-15 साल से देखोगे तो उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे शुगर, टबेको या ऑयल PSUs, जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत रहती है, प्राइसिंग पावर नहीं होती, बहुत सारा मतलब डिविडेंड पे और चीजों पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कोई वैसे इशू नहीं है। लेकिन जैसे ONGC को HPCL में स्टेक लेनी पड़ गई, चाहे उसको उस चीज की आवश्यकता है या नहीं है, तो वो एक अंडर परफॉर्मेंस का कारण बनती है लॉन्ग टर्म में। और एक मेरा क्राइटेरिया है कि सर जो भी स्टॉक में लेता हूँ वो कम से कम 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होल्ड होना चाहिए। इसमें मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है कि जब म्यूचुअल फंड उसको लेते हैं, ओन करते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो एक तरह से वहां फिल्टर हो जाती है, तभी म्यूचुअल फंड उसको ऐड कर पा रहा है। तो ये भी मैं मानूं क्या कि अगर म्यूचुअल फंड्स कम कर रहे हैं तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है? हाँ सर, अगर मेरे को लगता है कि किसी म्यूचुअल फंड में आज सपोज 20 म्यूचुअल फंड ट्रैक कर रहे हैं और थोड़े दिन बाद उसमें 10-12 रह जाए, तो मैं उसको फिर नेग्लेक्ट करने की कोशिश करूंगा, निकल जाऊंगा। लेकिन बाय द टाइम म्यूचुअल फंड एग्जिट करेंगे, स्टॉक तो ऑलरेडी गिर चुका है। सर बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये वन ऑफ द फिल्टर है, ये हो सकता है लैगिंग इंडिकेटर हो, लेकिन ये एंट्री के लिए बढ़िया इंडिकेटर है। अगर मुझे किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो उसके लिए मेरे लिए अच्छा इंडिकेटर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और सर एक है अमंग Top 5 Players विद इन द सेक्टर इंडस्ट्री, ये मेरा एक रहता है कि भाई अगर कोई भी कंपनी है तो अपने सेक्टर में विद इन 5 प्लेयर्स में होनी चाहिए। हाँ, और दूसरा है सर एक लिस्टिंग हिस्ट्री मेरे हिसाब से 10 साल की होनी चाहिए, अगर 2008 से पहले की है तो वो और अच्छी बन जाती है, क्योंकि क्राइसिस में जो अच्छी कंपनी होती है वो निखर के आती है सर। ओके बहुत ही अभी रिजिड है आपका, मतलब ये काफी सॉलिड है, तो स्टॉक्स वो कमी दिखते होंगे आपको इसमें? हाँ सर, स्टॉक कम ही दिखते हैं, मतलब मेरे पास मोटा मोटी 14 या 15 शेयरों का पोर्टफोलियो रहता है। बस 14 से 15 स्टॉक ही हैं हाँ सर, 14 से 15 और उनमें स्टॉक आप ऑप्शंस ऊपर का बेचते रहते हैं और वो स्टॉक आपके पास पड़े हैं। है। हाँ जी सर, सर नाम बताइए ना, थोड़ा ऐसे ही पूछ रहा सर हूं। मैं बताता हूँ आपको, मेरे पे HDFC की होल्डिंग है, मेरे पे TCS है, मेरे पे ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान लीवर है, SCL टेक्नोलॉजी है मेरे पास सर, आपका मेरे पास मैकडोवेल है, यूनाइटेड स्पिरिट है, एशियन पेंट है, पिडिलाइट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है। और इनमें आप बेसिकली ऊपर का कॉल राइट करते रहते हैं और नीचे अगर भाव गिर जाता है तो आपको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये सब अच्छी कंपनीज है तो भाव वापस आ ही जाएगा। सर भाव भी वापस आ जाएगा। दूसरा मेरा एक थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है कि जब ये 200 DMA के आसपास अगर मेरे को मिलता है, मैं हाँ, वहां थोड़ा सा एवरेज करता हूँ, और एक सबसे बड़ा मेरा एवरेज जिंग जो रहती है गिरावट में वो रहती है सर मंथली 20, भाव क्या रहती है, मंथली 20 ये क्या है? सर। ये आप जैसे डेली 200 DMA तो डेली का एक हो गया, हाँ ऐसे ही आप हाँ मंथली पे अगर 20 का फिल्टर लगा के देखते हैं तो मंथली का उसमें 20 EMA एक मिल जाता है आपको, सही है, समझ गया। मंथली मंथली बेस चार्ट में 20 डे मूविंग एवरेज पे, पे, सर मंथली चार्ट में 20 डे मूविंग एवरेज, तो वो मेरा सबसे बिगेस्ट क्राइटेरिया रहता है। अगर मेरी किसी शेयर में एलोकेशन है तो मैं सबसे ज्यादा उसको वहां फिर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझ गया। ठीक जैसे कि अभी है सर, मार्च में अपॉर्चुनिटी मिली तो 1-2 शेयरों में मैंने बढ़ाया है वहां पर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर एक ये भी फिल्टर है मेरा, डिविडेंड यील्ड टू हाई नहीं होनी चाहिए। अगर डिविडेंड यील्ड टू हाई होती है देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि डिविडेंड बहुत मिल रहा है, लेकिन एक कंपनी की ग्रोथ सफर कर देता है। मेरा करेक्ट, अपना ये मानना है कि डिविडेंड जो होना चाहिए वो एक रीजनेबल तौर पे मिलना चाहिए, आइडियली मतलब आपके FD रिटर्न से कम होना चाहिए। ये बेंच मार्किंग अगर मैं करूँ तो अगर FD 5 है तो ये 4 या 3 होना चाहिए, वाइस वर्सा मतलब FD से कम होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसी का, सरकारी कंपनियां डिविडेंड बहुत ज्यादा देती हैं,
लेकिन अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखो तो उनमें प्राइस परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी ट्रेड तो मिल जाएगा उसमें समय समय पर, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन उनमें नहीं हो पाती, क्योंकि जो कंपनी को कैपेक्स के लिए चाहिए वो सब डिविडेंड के थ्रू निकल जाता है। यही चीज मैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल है मेरे पे आईटीसी का। आईटीसी में अभी थोड़े दिन पहले मैनेजमेंट ने ये किया कि हम 85% ऑफ द प्रॉफिट एज ए डिविडेंड देंगे, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा रेड फ्लैग था। मैं आईटीसी में काफी टाइम से काम करता हूँ, मेरे पे होल्डिंग थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे बाजार में जहाँ इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, नई नई कंपनी आ रही है, नए नए प्रोडक्ट ला रही है, और आप मतलब जो डिविडेंड है उसको ग्रोथ में ना लगा के आप उसको बांट देते हो। सही बात है। अब इसके विपरीत पिडिलाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मार्केट में हर बड़े प्लेयर को एक्वायर कर लेता है। डिविडेंड आपको लगेगा 1% भी नहीं है, लेकिन आप उसकी शेयर की वो हिस्ट्री देखोगे तो वो 10 साल में 20 times हो गया। आप देखो एरेलाइट एक ब्रांड था जो कि उसने भी रिसेंटली एक्वायर किया, हम एमसीएल लगाते थे, एमसीएल उसने एक्वायर कर ली। जो भी बड़ा प्लेयर ब्रांड होता है उसको एक्वायर कर लेता है सर, मार्केट में कॉम्पिटिटर बचता ही नहीं उसके लिए। तो ये एक रहता है। साइक्लिकल इंडस्ट्री में मैं ज्यादा नहीं करता, जैसे स्टील हो गई, मेटल वगैरह हो गए, या आपका ऑयल इंडस्ट्री भी साइक्लिकल में आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनमें आपको नहीं पता कि तेजी और मंदी कब इसमें साइकिल चेंज हो जाता है। कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, ये है कि कुछ कंपनीज पे इंटरेस्ट रेट का सीधा असर पड़ता है, जैसे आपका मेटल सेक्टर हो गया, तो इसको भी मैं नहीं देखता। की पॉलिसी चेंजेस, अगर कंपनी, जैसे अभी मैंने आईटीसी का एग्जांपल लिया कि भाई मैनेजमेंट ने चेंज किया कि भाई 85% हम डिविडेंड देंगे, ऐसी टाइप का कोई ऐसे पॉलिसी चेंजेस लगते हैं तो मैं उसको भी देखता हूँ सर। चेंज इन लीडरशिप, अगर लीडरशिप किसी कंपनी की चेंज हो रही है तो वो एक मेरे लिए बड़ा मायने रखती है सर। अब जैसे मैं HDFC के मैं की बात करूं तो HDFC बैंक की लीडरशिप अभी आदित्य पुरी जी से शशि धरन जगदीशरन जी पे आई है, तो वो शेयर में रिफ्लेक्ट हो गया सर, उसने 2 साल में अंडर परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है मेरे लिए कि मैं इसको देखता हूँ। इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, ये मेरे लिए बिल्कुल नो गो एरिया है। अगर कोई भी बढ़िया मैनेजमेंट है तो कभी अपनी इक्विटी डायल्यूट नहीं करेगा सर, वो इक्विटी उनके लिए सोने से ज्यादा कीमती है सर। मतलब मेरा ये मानना है कि हम एज ए रिटेलर सबसे पहले क्राइसिस में अपने शेयर बेच देते हैं, गोल्ड रख लेंगे, लैंड रख लेंगे, इसका उल्टा सर प्रमोटर होता है, वो अपनी हर चीज बेच देगा, इक्विटी नहीं बेचेगा सर, क्योंकि उसे पता है सर 10-20 साल में मेरी कंपनी क्या हो जाएगी। तो ये इक्विटी अपने आप में दर्शाता है कंपनी की, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी दर्शाता है और शेयर के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाता है। दूसरा डायरेक्ट ये भी नुकसान है कि जब इक्विटी इन्फ्यूजन होता है तो उसका EPS कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। और एक सर सेक्टर में डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, जैसे टेलीकॉम में पीछे रहा, तो मैंने टेलीकॉम में भारती में काम किया लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं उससे निकल गया। या जैसे अभी आपका 2-व्हीलर या 4-व्हीलर में ये सब हो रहा है कि आपका EV आने की बात है, तो ये अंडर परफॉर्मेंस रहती है फिर उस सेक्टर में जब तक आपको क्लियरिटी ना मिले। तो ये मेरे कुछ एडिशनल फिल्टर हैं जो मैं देखता हूँ स्टॉक पिकिंग के लिए। आप बहुत टफ हैं बहुत। आप मोटा मोटी आप तो मतलब मार्केट, इंडियन मार्केट को 99% आप हटा देंगे, खाली 1% स्टॉक ही बचेंगे आपके पास। सर मैं जो सीखा हूँ ना, ये मैं सिर्फ अपने ठोकर खा के सीखा हूँ सर इस बाजार में। मैंने बहुत नुकसान किए हैं और मैं कम से कम भी ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 साल मेरे ऐसे रहे कि मैं 10 रुपए से 1,000 का हो गया और 1,000 से फिर मैं -10 का आ गया। उसके बाद मैंने अपने फिल्टर ये खुद क्रिएट करे हैं जिससे कि मैं अपनी वेल्थ जनरेट कर पाया सर। सही है। अपनी पेरेंटल बैक कुछ नहीं थी तो मेरे लिए रिस्क लेना बड़ा टफ था, और वो एक जब आप 30-35 साल एक नेचर में पल जाते हो ना तो फिर वो आपकी नेचर में आ जाता है सर, आप उसको चेंज नहीं कर पाते। सही बात। मेरे लिए ये रहता है कि मेरी कैपिटल अगर 100 रुपए है तो वो 95 ना हो, चाहे वो 105 या 110 होने में समय लगा दे। सही बात सर। अब दूसरा पार्ट आता है कि जैसे स्टॉक हमने सेलेक्ट किए तो उसके आधार पे मैं कैसे ऑप्शन उसमें बेच के उसमें रिटर्न जनरेट करता हूँ।
सर, स्टॉक सिलेक्शन के बाद ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम हर महीने ऑप्शंस बेच के अपने लिए एक रिटर्न जनरेट करते हैं। सर, इसमें भी जो स्ट्रेटजी है वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है। जो भी स्टॉक एफएनओ में प्रेजेंट है उनकी होल्डिंग्स जो मेरे पास हैं लगभग उसी मात्रा में रहती हैं जिसमें कि उनकी एफएनओ लॉट साइजिंग है। ओके, तो उनमें मैं लगभग 7 से 8% बियॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होता है उसकी मैं कॉल उसमें राइट करता हूँ। Okay. दूसरा, एक क्राइटेरिया तो 7-8% का है, दूसरा क्राइटेरिया यह है कि 0.5 से 0.75% उसका जो मार्केट प्राइस है, लगभग मान लिया कोई शेयर 3,000 का चल रहा है तो लगभग 15 से 18 रुपए की मैं कॉल उसमें बेचने की चेष्टा करूंगा। 0.5 से 0.75% का आप कॉल बेचेंगे तो हर महीना बेसिकली आपका टारगेट यही है कि आधा परसेंट मेरा एडिशनल रिटर्न आ जाए। सर, मेरा टारगेट यह है कि अगर इंडेक्स 14-15% की रिटर्न दे रहा है तो मोटा शेयर में भी लगभग वही रिटर्न रिफ्लेक्ट हो जाती है। 14-15% के रिटर्न जनरेट हो रही है, इसके बदले भी मैं उस शेयर को एक्वायर कर लेता हूँ जो मेरे को इसमें रिसीट मिलती है, जो मेरा क्रेडिट आता है ऑप्शन सेलिंग से उसको मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ, मेरे लिए वो रिटर्न 20-22% बन जाती है। ओके, उसी शेयर में। गॉट इट। और इसमें दो पार्ट हैं इसको ज्यादा 7-8% बेचने के लिए, कि मेरा मानना ये रहता है कि जो इंडेक्स का हैवी वेट शेयर है, एबनॉर्मल कोई न्यूज आ जाए तो बात अलग है, नॉर्मली एक सीरीज में वो 7 से 8% की मूवमेंट नहीं देता है। मेरा लॉजिक ये रहता है कि वो शेयर मेरे से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, वो एकदम से छूटना जाएगा। मैं बहुत पास की कॉल बेचूंगा तो संभावना है कि वो शेयर मुझे टेंडर करने पड़ जाएंगे। तो आप बोले 7 से 8% का तेजी नहीं देगा तो अगर कॉल मेरा बेचा हुआ है तो हमको घबराहट नहीं होगा, लेकिन हाँ, कोई न्यूज जैसे इस महीना HDFC का न्यूज आया, आपने HDFC लिख रखा है तो इसलिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। सर, इसी महीने बताता हूँ, बाय चांस की बात है कि बाजार मेरे को तेज लग रहा था तो मैंने इस महीने राइट नहीं करी थी। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी मैंने राइट की होती तो जैसे HDFC इस जब ये न्यूज आई तो उसके बाद 8% तेज है लगभग। हाँ, लेकिन एक पॉइंट पे तो 15% तेज हो गया था। 15% हो गया था सर, उसमें आपको ना पूरा महीना मिलेगा उसको एक्सरसाइज करने के लिए। आप उसमें डिसीजन चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को इसमें नुकसान हो रहा है, आप ऊपर की जो आपने 7-8% की कॉल कवर बेची है उसको आप कवर कर लो, उससे ऊपर 5-6% की बेच दो। हो सकता है उस सीरीज में, पर्टिकुलर सीरीज में आपको पैसा ना मिले या 2-4-5 रुपए लग जाए, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि वो न्यूज कितनी आपको वर्दी लगती है उस प्राइस की मूवमेंट के लिए। हाँ, मतलब ठीक है, 12 महीने में हो सकता है, 1 महीना होगा कोई शेयर में आपको डिलीवरी देनी पड़ जाए, बिकॉज आप तो एक्स्ट्रा लिवरेज नहीं कर रहे, आप तो जितना शेयर होल्ड करेंगे उतना ही पुट बेच कॉल बेच रहे हैं। अगर फिर भी किसी शेयर में ऐसा होता है कि मेरे को टेंडर करने पड़ जाए तो अपॉर्चुनिटी और है सर, कहीं और लगाएंगे पैसा। सही बात है, सही बात। जरूरी नहीं कि शेयर के पीछे भागना है, बाजार जैसे ऊपर जाता है, बाजार एक साइकिल है सर, कुछ ना कुछ नीचे जरूर मिलेगा सर। निफ्टी अगर 18,000 है तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी रिसेंट की बात करें तो हीरो मोटो में देखिए आप क्या हुआ, हीरो मोटो 52 वीक पे आ गया केवल इसलिए कि भाई 800 करोड़ रुपए की उसमें इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ हेराफेरी की है। अब सर वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधीन है केस, पहली बात। अगर दूसरा ऐसा कुछ होता भी है तो सर लॉजिकली तो उनके एक क्वार्टर का प्रॉफिट है सर, उससे कंपनी थोड़ी ना खत्म हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी तो कहीं ना कहीं बाजार आपको दे देगा। ठीक है, चलिए, मतलब हीरो वाले में नहीं जाते हैं एग्जांपल में, क्योंकि वो आपका फिर क्राइटेरिया से आउट हो जाता है ना, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ गया ना। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है इसमें कि HDFC मान लिया 2700 रुपए है, तो मैं लगभग या तो 7 से 8% वो 2900 रुपए बैठता है, 2900 रुपए की या तो कॉल बेचूंगा या एक प्रीमियम बेचूंगा जो 14 रुपए से ऊपर होगा। ओके, यूजुअली मैं जो होता हूँ करंट एक्सपायरी मंथ के फर्स्ट वीक में ऑप्शन बेचता हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें टाइम वैल्यू काफी मिलती है और प्रीमियम के रेट भी उस समय अच्छे होते हैं। ओके, और इसमें एक सर एक क्राइटेरिया ये भी है कि मैं आउट ऑफ द मनी पुट भी भेज देता हूँ शेयर्स की जहां मैं उन्हें लेना चाहता हूँ। तो जहां लेना चाहता हूँ मतलब आप टेक्निकली देखते होंगे कि किस प्राइस पे ले सकता हूँ मैं। हाँ सर, टेक्निकली मेरा 200 DMA उसमें एक रहता है। ओ, अच्छा। मतलब 20 रहता है मेरा उसमें। नहीं बट ये तो अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप पुट बेचते हैं ना। क्या सर?
सर मान लिया मेरे पे एचडीएफसी है, यहाँ जैसे एचडीएफसी की बात हुई है, वो 2700 रुपये रेट चल रहा है, लगभग 2400 रुपये इसका 200 DMA आता है, 2400 2450 और ओके मोस्टली आई थिंक 2100 के आसपास आता है। तो मैं उसमें फिलहाल के न्यूज के आधार पे या शेयर की चाल के आधार पे या 2400 या 2200 रुपये की पुट उसमें बेच दूंगा उसी महीने। ऊपर की मैंने कॉल बेच दी, नीचे की मैंने पुट बेच दी, तो मेरा यह है कि ऊपर की कॉल बेची तो उसका प्रीमियम भी मुझे मिल जाए और नीचे अगर पुट बेच रखी है उसका प्रीमियम मिल जाए, और अगर शेयर बहुत ज्यादा टूट जाता तो मैं उसकी डिलीवरी ले लूंगा। अच्छा, ये लगभग लगभग मेरा हर सीरीज के लिए यही क्राइटेरिया रहता है। बेसिकली आप मतलब आप डिलीवरी लेने में ओपन हैं, तो ये बहुत बड़ा वेपन है आपके पास। सर मैंने सर दुकान चलाई है जैसे ग्रोसरी रिटेलर की, तो वहां मैंने बेसिक सीख मुझे वहीं से मिली। बेसिक सीख ये है कि आप किसी भी मंदी तेजी में तभी फायदा उठा सकते हो जब तेजी में तो आपके पास मालो बेचने के लिए और मंदी में आपके पास पैसे हो खरीदने के लिए। अच्छा, तो मेरा यह है कि अगर मंदी है तो मैं उसे भी यूटिलाइज कर लूं और तेजी है तो मैं उसे भी यूटिलाइज कर लूं। अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सर मेरे लिए तो ये बिजनेस है, मैं इसे बिजनेस के तरीके से देखता हूँ। सही तो बात। बिजनेस में क्या है ना, मंदी तेजी में आप जब भी फायदा उठाते हो जब आपके पास माल हो या लेने के लिए पैसा हो। लॉन्गर टर्म में भाव सर आ जाते हैं, और खास तौर से जो लार्ज कैप इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, इतनी बड़ी इंडेक्स की हैवी वेट कंपनी है, मतलब अभी मेरे को नहीं याद आता है कि पिछले 10-15 साल में ऐसी कोई कंपनी बहुत ज्यादा मतलब नुकसान में है। और उसके लिए मैंने सर फिल्टर लगा रखे हैं, हो सकता है नुकसान हो तो मैं निकल जाऊंगा उसमें कहीं ना कहीं, या एवरेज डाउन नहीं करूंगा आई थिंक। बट आप तो एवरेज 200 DMA के पास कर ही लेंगे। सर जब मैं एवरेज कर लूंगा उसके बाद मैं उस हर 3 महीने में उसके पैरामीटर्स और भी देखूंगा सर। अच्छा, यूं तो कई बार मतलब ऐसी बात नहीं है नुकसान हुए हैं सर, जैसे यस बैंक में था, लेकिन मैं उससे निकल गया था सर जब मेरे पैरामीटर्स पे वो मुझे लगा था। अच्छा ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर ये ऑप्शन राइटिंग के लिए है कि ऑप्शन जब हम राइट करते हैं तो इसमें एज रहता है सर बायर के ऊपर सेलर का जी, 70-80% चांसेस होते हैं कि आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं वर्थलेस। और एक आपको रेंज मिल जाता है सर अपने पोजीशन को, अपने ओपिनियन को रिव्यू करने के लिए, जब 7-8% का करते हैं तो उस मूवमेंट को आप एक रेंज में आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि मुझे इसमें कैसे करना है जी अपने आप को। दूसरा सर टाइम वैल्यू है, थीटा डीके है, ऑप्शन जो होता है उसमें टाइम वैल्यू होती है सर जो एक्सपायरी के दिन खत्म हो जाती है। बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि सर जो शेयर मेरे पास होल्डिंग पे है वो कोलेट्रोल में यूज हो जाते हैं मार्जिन के लिए, तो मुझे एडिशनल मार्जिन कुछ नहीं देना उसके लिए। अगर आप नेकेड कोई ऑप्शन सेल करोगे तो उसमें उसमें मार्जिन लगता है सर, लेकिन अगर आपके पास वही शेयर है जो आपने कोलेट्रोल में दे रखे हैं तो आपका मार्जिन वहां से मिल जाता है सर उसके लिए। अच्छा, और क्योंकि आपके ये सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स है तो हेयर कट भी कम होता होगा उनमें। सर 85% मेरे को इसमें हेयर कट के बाद वैल्यू मिल जाती है सर, 82 से 85 मेरे को वैल्यू मिल जाती है सर। तो ये तो आप कोई मतलब कोई ब्रोकर मेनस्ट्रीम ब्रोकर के साथ ही कर रहे होंगे? सर ये कानपुर के ब्रोकर है रुद्रा शेयर्स, उनके साथ में काम कर रहा हूँ। अच्छा, बट जनरली देखा गया कि जो पुराने ट्रेडिशनल ब्रोकर है वो सभी कर देते हैं। हाँ सर, ट्रेडिशनल ब्रोकर में थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल जाती है। ठीक है सर, ऑप्शन राइटिंग में मेरे को रिवार्ड थोड़ा बेहतर रखता है डायरेक्ट फ्यूचर में प्ले करने से। जी आगे चलते हैं सर। जी सर, ऑप्शन राइटिंग का एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि थ्योरेटिकली जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये लगता है कि अनलिमिटेड लॉस है बेचने के बाद, लेकिन अगर आप कवर्ड कॉल के थ्रू ने बेच रहे हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट निल रिस्क हो जाता है सर, क्योंकि आपके पास नीचे होल्डिंग है अपनी। करेक्ट। और सर थोड़ा सा मैं इसमें ये रखता हूँ कि जिस महीने जैसे रिजल्ट आते हैं, जैसे इसी महीने रिजल्ट है अप्रैल, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज की मैंने इसमें कॉल नहीं राइट करी है जी। या कोई मैनेजमेंट का ऐसा है, कोई ईजीएम होने वाली है, कोई बजट डे है, या कोई ऐसा इवेंट है कि आपको लगता है कि हाँ भाई कोई
आरबीआई की मीट है या कुछ ऐसा इवेंट है तो मैं उस इवेंट के लिए रुक जाता हूँ। जी ज्यादातर मेरा रहता है सर, जो मैं ऑप्शन राइट करता हूँ वो मेरी होल्डिंग सिंक रहती है जितनी की उसकी एफएनडो की लॉट का साइज है, 5-10% ऊपर नीचे हो जाए लेकिन मोटा मोटी वो उतना ही साइज रहता है। हाँ, क्योंकि नहीं तो आपका वो डेल्टा रिस्क हो जाएगा ना बड़ा। सर वो रिस्क देगा, वो पैनिक करेगा मेरे को कहीं ना कहीं हाँ अगर वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। हाँ आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क तो पैनिक ही है आपको। सर सबसे बड़ा रिस्क पैनिक है इस बाजार में। हाँ एचडीएफसी कल 15% भाग गया तो वो पैनिक में 15% मतलब इस टाइप की मूवमेंट आती है। कई बार ये देखा है सर, इतनी मूवमेंट आने के बाद ना शेयर जब थोड़ा सा शांत हो जाता है तो आइडियली वो एक इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। सही बात है। पैनिक में इस टाइप के मूवमेंट होते हैं कि सर सर्किट लग गया, सौदे कट गए, वहां जो शॉर्ट सेलर है ना वो ट्रैप होते हैं और उन्हें फिर फोर्सली या तो ब्रोकर फोर्स करे या वो खुद फोर्सली कवर करते हैं सौदे। करेक्ट सर लॉजिक ये है कवर्ड कॉल का कि मैं एक्स्ट्रा डेल्टा उसमें जनरेट करूं जो स्टॉक्स मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए हेल्ड है। हाँ अब इसमें यह है कि अगर कोई स्टॉक मेरे को 12% से 15% की एक रिटर्न देने के लिए सही लगता है एक साल में तो मैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू उसमें एडिशनल 6-8% की और एडिशनल रिटर्न जनरेट कर लेता हूँ जो मेरी रिटर्न को 20-24% ले जाती है सेम पीरियड में। सर मेरे लिए ये ऐसा मानना है कि जैसे एक आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है जिसे आप कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम के साथ साथ जो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में हो रहा है वो तो ठीक है लेकिन उससे आपको एक अलग से रेंटल इनकम भी जनरेट होती है। वैसे ही शेयर से जो मेरी होल्डिंग है वो तो होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए जो जनरेट उसमें वेल्थ क्रिएशन होगा वो होगा लेकिन मेरे को हर महीने उसमें एक्सपायरी में एक तरह से रेंटल इनकम मिल जाती है। जो भी मेरे को उसमें ऑप्शन प्रीमियम मिलता है, डिविडेंड मिलता है वो मैं मानता हूँ कि एक तरह से मेरी रेंटल इनकम मेरे को मिल रही है। आप इतने मतलब शांत तरीके से, इतने संतुष्ट होके और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे ये थोड़ा बिलीवेबल नहीं लग रहा है। लेकिन अब आप जो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है आपका, लग रहा है कि आप शायद आप कर भी रहे हैं, तो मुझे मिक्स फीलिंग आ रही है। सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे 6 साल ब्रोकिंग का काम किया, हाँ मेरे क्लाइंटेजों का मैंने देखा सर 5-6 साल काम करने का, बाजार में तेजी भी रही मंदी भी रही। आप हाँ जितने कूल माइंड इस बाजार में काम करोगे ना सर उतना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ हाँ ये मार्केट आपके टेम्परमेंट से खेलता है सर हाँ और इसका काम है आपकी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं खराब करना हाँ इसके कारण लूज होता है। अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को गेन कर लिया तो ये बाजार फिर आपके लिए है, मतलब आपके टिकने के लिए है, सही अदरवाइज बात है। बाजार आपको आउट कर देगा सर। और आप बहुत, क्योंकि मैंने अपना काम बहुत कम कैपिटल में स्टार्ट किया है सर, मैं तो 50-60 हज़ार रुपये भी जो सैलरी आती थी उसमें हाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है तो मेरे लिए ना वहाँ बहुत कम चांस थे कि मैं अपनी कैपिटल को किसी भी प्रकार से लूज कर पाऊँ। मैंने जो भी कैपिटल एप्रिशिएट करी है इसी तरीके पे करी है, उससे पहले मैंने जो भी बेट्स लिए एफएनडो में ली ये ली वो ली सब मेरे को सर नुकसान में ले गई, इवन मेरे को डेट में ले गई। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो मतलब मेरे को लगता है या जो बड़े लोगों की है वो इसी प्रकार से है सर कि वो लॉन्ग टर्म 10-15 साल का एक होराइजन लेते हैं, वेल्थ क्रिएट होती है सर। पैसा तो आप किसी भी काम से कमा लोगे, एक दिन की ट्रेडिंग से ही पैसा कमता है। मेरा लॉजिक है वेल्थ बनाना ना कि पैसे कमाना, पैसे तो सर किसी भी काम से कमा लेते हैं लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको होराइजन बड़ा लंबा लेना पड़ेगा सर और आपको कूल माइंड होके बैठना पड़ेगा। और आजकल का सर जो बाजार है ना ये इतना ज्यादा मतलब ये एक तरह से डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया की, इतने सारा सारे फोर्सेस हैं, मतलब सुबह CNBC पे कुछ आ रहा है, आवाज पे कुछ आ रहा है, जी पे कुछ आ रहा है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना ठीक है, ब्लूमबर्ग पे कुछ आ रहा है, इतने सारे इवेंट है सर, फेड कुछ कह रहा है, इंडिया कुछ कह रही है, रशिया में कुछ हो रहा है, इतने सारे फोर्सेस हैं। अगर माइंड जरा सा भी मतलब कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी डेंट होगी तो नुकसान बड़ा हो जाएगा सर। तो कोई ना कोई आपको स्ट्रेटजी या अपने पैरामीटर्स ऐसे सेट करने पड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं सर, हर आदमी का टेस्ट अलग होता है, किसी को बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, किसी को बिल्कुल सिंपल पसंद है। मेरा सिंपल फंडा है सर कि कूल रहो,
लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, इंडिया में बिलीव करो, इंडिया इज अ कंजप्शन स्टोरी, स्टैटिक्स बड़े अच्छे हैं, डेमोग्राफिक बड़े अच्छे हैं, एक ही एक या दो व्यापार नहीं है, पर हर तरह की इंडस्ट्री है। और अभी सर जो थोड़ा सा एक चेंज हुआ है ना, अभी 2-3 साल में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,000 के बियॉन्ड निकल गई है। उसके बाद जो एक कंजप्शन बूम आता है ना सर, वो ऐसा आता है जैसे आपका 15 साल में चाइना में हुआ या बड़ी इकोनॉमी में हुआ, तो अगले 10-15 साल के लिए तो सर ये मार्केट, ये बाजार, ये इंडिया मतलब लॉजिकली तो बड़ा ग्रो होना चाहिए, और वो दिख भी रहा है सर। आप GST के नंबर्स देखिए सर, 1,40,000, मतलब ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप कैनवस खींचेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर आएगी सर। बात ठीक है। मेरा लॉन्ग टर्म का वो रहता है जो रिटेलर भाई हमारे आए हैं पिछले 2 साल में, शॉर्ट टर्म में ना फंस के अगर वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें सर, तो वेल्थ भी क्रिएट होगी, दिमाग में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं रहेगी और नुकसान भी नहीं होगा सर। फेयर पॉइंट, आगे चलते हैं सर। जी सर, ये वही बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि ये स्ट्रेटजी उनके लिए आइडियल है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक अलग से एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपने लिए। बहुत ज्यादा समय की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आपके पास घंटा आध घंटा या वीकली भी अगर आप अपने किसी भी हॉलीडे पे या उस पर थोड़ा भी समय लगाते हैं बाजार में, अच्छे शेयर चार्ट के अपना एक आध ट्रेड करके आप अच्छा इसमें मतलब अपना पोर्टफोलियो भी जनरेट कर सकते हैं। और शुरुआत के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको 10-15-20 शेयर से करना है, आप एक दो शेयर से शुरू करिए, जैसे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ट होता चलेगा आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते चले जाइए। मैंने भी सर 2 शेयर से शुरुआत करी थी, TCS और HDFC, और मेरा 40% ऑफ द वेल्थ मेरा उन्हीं 2 शेयर से आया। अगले 3 साल तक मैंने किसी और शेयर में काम ही नहीं किया, क्योंकि मेरे में जो कैपिटल थी 2-3-4-5 लाख रुपए, वो मेरे लिए सफिशियंट थे कि मैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता था, नहीं तो मैं कवर्ड कॉल कैसे करता। 2 शेयर को रखा, लेकिन मेरे को ये पता है कि जब मैंने उनको 3-4-5 साल उसी स्ट्रेटजी पे किया तो मेरी वो वेल्थ फिर मल्टीप्लाई हुई, मेरा कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया, तभी मैंने 2016 में डिसीजन लिया कि मैं अपना खुद का काम करूंगा। वो 5 साल जो मेरे सब ब्रोकरशिप के थे, जो भी मेरी इन अर्निंग हुई, वो तो केवल एक मेरी पैसिव इनकम जा रही थी, लेकिन वो 5 साल में जो उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया ना, वो उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी सर। कोई ना कोई सर आपको टूल बनाना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो सर। मतलब एक पिक्चर आई थी लक्ष्य, आपने जरूर देखी होगी सर, एक डायलॉग था कि चाहे आप घास काटने वाला बनो लेकिन आपको उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, अगर आप परफेक्ट नहीं हो ना तो फिर आप हर चीज के लिए बेकार हो। आप कहीं भी देख लीजिए सर, घर में मेड आती है तो आप उसी को प्रेफर करेंगे जो अपने काम में महारत हासिल कर रखी है, जिसने जो सबसे बढ़िया काम करे, ये डिपेंड नहीं करता वो कर क्या रही है, लेकिन वो सबसे बढ़िया कर रही है। तो टेक्निक्स बहुत है सर, पूरा ओशियन है ये, इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारी स्ट्रेटजी, इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इतने सारे मतलब थ्योरी हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी अगर आप एक दो थ्योरी पे पकड़ के काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो सर, उसमें आपकी महारत होनी चाहिए तो आप फिर पैसा बड़ा बना लोगे। ट्रेडिंग भी करते हैं सर, बहुत अच्छे लोग करते हैं, सब करते हैं, उनकी उसमें महारत हासिल है सर। मेरे मैं जो समझता हूँ अपने लिए ट्रेडिंग, समझता हूँ कि ट्रेडिंग एज ए फॉर्मूला 1 कार है कि आपको बिल्कुल उसके लिए एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, और जो इन्वेस्टिंग है वो एक ऑर्डिनरी कार है कि चलो भाई चला लिया हमने। सही है सर, थोड़ा सा ये है कि इसमें पीस रहता है ड्यूरिंग डे, कोई काम आप काम कर सकते हो, रात को अच्छी नींद आएगी, कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना पड़ेगा आपको कहीं भी, क्योंकि इवेंट बहुत सारे होते हैं वर्ल्ड में। बट एक बात बताइए, पूरा दिन करते क्या है? बिकॉज़ ये काम के लिए तो पूरा दिन स्क्रीन के सामने रहने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। स्क्रीन के सामने रहने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ जाती है कि अब पोर्टफोलियो मेरा बड़ा हो गया है सर, शेयर्स काफी हो गए हैं। अच्छा, इवेंट बहुत सारे होने लगे सर, इतने इवेंट होने लगे, डे डे में कई बार इतने इवेंट आ जाते हैं। अच्छा, एक मैं इसमें आज के स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा RS-55 की, उसके लिए इन्वॉल्वमेंट मेरा बढ़ गया है। नई टेक्निक मैं सीख रहा हूँ सर, थोड़ा सा टेक्निकल में हाथ तंग है क्योंकि मेरी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं मतलब स्टॉकेज क्लब मेंबर भी है सर। मैं बिल्कुल स्टॉकेज क्लब मेंबर हूँ, और स्टॉकेज ने मेरे को एक नई राह दी है कि आगे मैं और किसमें कैसे एड ऑन कर सकूं अपने आप को।
हो सकता है मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि साल डेढ़ साल थोड़ा सा मैच्योरिटी और स्टॉक ऐसे सहायता लेने के बाद मैं एक अलग से फेस टू फेस आपके साथ और करूंगा, जिसमें मैं अपने आपको और आपको बेहतर मतलब आप मुझे बेहतर पाएंगे सर। नाइस 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 एकदम स्टॉक ने काफी हेल्प करी है सर, और मैं तो आपको सर धन्यवाद दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा इसके लिए बहुत ज्यादा, जो आप ये फेस टू फेस कर रहे हो ना सर, हम जैसे मतलब एक तरह से अननोन पर्सन को यहाँ लाके जो आम जनता है उनके मतलब ये बताना चाहते हैं कि कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी स्थिति में काम इसमें शुरू कर सकता है, डिसिप्लिन के साथ और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही अपना एक पैरामीटर बना के, चाहे वो टेक्निकल हो फंडामेंटल हो, और अर्न कर सकता है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं फेस टू फेस कर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप बड़े बड़े लोगों का फेस टू फेस करते हैं, पैसे तो बड़े लोग ही कमाते हैं, और उसको देख के कुछ छोटे लोग ल्योर होते हैं और वो मार्केट में पैसा खो रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो नॉर्मल लोगों का फेस टू फेस किया जाए जो पैसा कमा रहे हैं, उनको तो देख के आप इंस्पायर होंगे। सर ये तो एक वेलकम स्टेप है जो आपने शुरू किया है सर, ये एक रेवोल्यूशन है सर। अभी तक तो क्या है ना, बड़े लोगों का इंटरव्यू तो सब लेते हैं, सब टीवी चैनल्स पे आता है, हमने भी वही देखा है सर, झुंझुनवाला साहब को देखा है, दमानी साहब को देखा है, रामदेव अग्रवाल साहब को देखा है, वो 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 1-1 हजार करोड़ के आदमी है सर। उनकी आइडियोलॉजी, उनका काम करने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका नहीं हो सकता सर, सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको अपने पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे सर काम करने के लिए। जी, और वो स्टॉक एज ने बड़ी हेल्प करी है सर सभी लोगों के लिए उसमें, आपका बड़ा सही। थैंक यू सर। ये काम जो कोई प्रोफेशनल है, मान लिया अपने काम धंधे पे लगे हुए हैं, कोई शॉपकीपर है जो अपने मतलब रूटीन के काम में इन्वॉल्व है, उनके लिए बेटर है। कोई रिटायर्ड पर्सन है जो एक काम भी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए एक एडिशनल इनकम भी चाहते हैं हर महीने, उनके लिए भी बेटर है। और कोई नया आदमी इस बाजार में आ रहा है, जैसे कि रिटेल भाई हमारे काफी आए हैं, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत अच्छा काम है। किसी भी एक या दो कंपनी जो आपको अपने रूटीन में दिखाई देती है सर, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करने का। आप घर में देख लीजिए सर, आप और हम सब ब्रिटानिया के बिस्कुट खाते हैं, नेस्ले के खाते हैं सर, जो बच्चा बिल्कुल पैदा होता है उस दिन से लेकर वो हम बड़े नेस्ले के एवरीडे की दूध पीते हैं, मतलब मैगी है सब है, ये प्रोडक्ट सर वही कंपनियां हैं सर जो हम रूटीन में लेते हैं। कहाँ से कहाँ 10 सालों में इनकी ग्रोथ हो गई सर, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए आपको पता चल जाएगा सर। सही बात है सर, ये मैं आपसे कह रहा था जो मैंने एडिशनल एक सेटअप किया है आपके स्टॉक ऐसे जुड़ने के बाद अपने रिटर्न को बूस्ट करने के लिए। सर ये है कि अगर कोई स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ठीक ठाक है और मैं उसको होल्ड मतलब ट्रैक कर रहा हूँ या होल्ड कर रहा हूँ, कोई भी उसमें फंडामेंटल न्यूज या कॉरपोरेट अनाउंसमेंट या और किसी रीजन से मैं उसको होल्ड करता हूँ, तो मैं उसकी रिटर्न उसमें एडिशनल जनरेट करने के लिए अगर वो किसी टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 250 या शॉर्ट टर्म में 20-50, लॉन्ग टर्म के लिए 100 या 200 के लिए तो एवरेजिंग के लिए होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 20-50 है और रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसा कि आपका RS 55 मॉडल है वो पॉजिटिव की तरफ है, तो मैं उसमें थोड़ा सा एफएंडओ के थ्रू डायरेक्ट उसमें बुलिश बेट लेता हूँ। नॉर्मली अगर RS डाउन हो रहा है तो मैं अपने पोजिशन से तो एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन मैं इसमें बेरिश बेट के लिए काम नहीं करता, मेरा जो बेट रहता है वो अल्टीमेटली टुवर्ड्स अपवर्ड के लिए रहता है, तो मैं इसमें फ्यूचर्स डायरेक्ट प्ले करता हूँ, लेकिन मैं इसमें हैज करके काम करता हूँ, पुट्स लेता हूँ या फिर मैं इसमें बुल कॉल स्प्रेड एक बना लेता हूँ, लेकिन ये बड़ा मतलब वही है ट्रेडिंग, क्योंकि एक फुल टाइम जॉब है तो आपको इसमें स्क्रीन पे पूरे टाइम रहना पड़ेगा, और जो आपका डिसिप्लिन है उसके आधार पर चाहे आपको नफा और नुकसान हो तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। मतलब इसको मैं कैरी में नहीं ले जाता हूँ, ये मैं काट के मतलब जहां भी मेरा रूल खराब हो रहा है तो मैं उसको काट देता हूँ, तो ये एक एडिशनल सेटअप है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसमें आप बाई करके करते हैं कि मतलब स्प्रेड का मतलब हो गया डेबिट स्प्रेड, मतलब एक लेके ऊपर का बेचते हैं तो आप मैं इसमें तेजी प्ले करूंगा, मैं मेरा जो पैरामीटर जाएगा ना इसमें मैं तेजी के लिए पैरामीटर सेट करूंगा, तो उसमें दो ऑप्शन है मेरे लिए। हाँ या तो मैं फ्यूचर में ले लूंगा और पुट ले लूंगा उसकी। अच्छा फ्यूचर लेके तो मैं पुट ले लूंगा,
या फिर मैं उसमें बुल कॉल स्प्रेड प्ले कर लूंगा, मतलब करंट की मैंने 3000 की कॉल ले ली, मैंने 3200 की बेच दी, मतलब इसमें। लेकिन आप नेट में प्रीमियम इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों, नेट में तो प्रीमियम इन्वेस्ट हो गई ना सर। तेजी का तेजी तो आपको जब भी मिलेगी, अगर आप बिल्कुल ही सब चीजें रिस्क फ्री कर देंगे तो आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा सर उसमें। नहीं, आप प्रीमियम बेच के भी तो काम कर सकते हैं सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रीमियम बेच के काम कर रहे हैं, लेकिन जब पैरामीटर्स एक बार एक्टिव होते हैं, जब मोमेंटम आता है ना, तो आपको ये मैंने स्ट्रेटजी कई तरह से अपना के देखी है, तो मुझे इसमें दो ही चीजें समझ में आई कि उसे डायरेक्ट आप प्ले कर लो बनस्पत पुट बेचने के, पुट का डिके कम होगा, उसमें आपको उतना रिवार्ड नहीं मिलेगा जितना आपको डायरेक्ट फ्यूचर लेके रिवार्ड मिल जाएगा। अच्छा, इसमें अगर फ्यूचर मेरे फेवर में जा रहा है और मेरे को लगता है कि स्ट्रेंथ या उसके मोमेंटम और इंक्रीज हो रहा है, तो मैं फ्यूचर इसमें नेकेड भी कर लेता हूँ सर, पुट से मैं बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा, फ्यूचर को राइड करता रहता हूँ, समझ गया मैं। और अगर मेरे को लगता है तो फिर मैं फ्यूचर को भी एक्सिट कर लेता हूँ, या फ्यूचर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो मैं ऊपर की पुट ले लेता हूँ, उसमें जहां इनिशियल मैंने ली थी एंट्री करी थी उससे ऊपर की जाके पुट ले लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे सर कैलकुलेशंस है जो डे टू डे आपको चेंज करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग, तो ये आप कब से कर रहे हैं ये वाला स्ट्रेटजी? सर ये वाला स्ट्रेटजी मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया है, जब मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मेरे को लगा कि ओके ओके। और इसमें आप मंदी खेलते हैं? नहीं सर, मंदी नहीं खेलता, मंदी आप... ना मेरे से इनहेरिटेंटली मंदी खेली नहीं जाती सर। समझ गया। मेरे मेरे पोर्टफोलियो में अगर मेरे पास 1 करोड़ के शेयर हैं तो मुझे उनमें टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मेरा 5 लाख का 1 लॉट माइनस है ना, हो जाएगी सर। मेरे को समझ में आ गया। नहीं है सर, ये सर सब चीजें ना आपके अपने नेचर पे डिपेंड करती हैं सर, सबके लिए एक पैरामीटर नहीं है। मेरे लिए तो मतलब मेरे को तो ऑप्टिमिस्टिक खेलने में मजा आता है सर। समझ गया वो मैं, कुछ लोगों का मेंटेलिटी वो होता है, उसके लिए डिफिकल्ट होता है मंदी खेलना। हाँ, मंदी खेलना मेरे लिए डिफिकल्ट है सर, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे लिए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है ये बात, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको क्या खेल के उनको सही बैठता है। हाँ सर, सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि अभी क्या है ना, इतनी तरफ से इतने न्यूज फ्लो रहे हैं, हर आदमी को ना दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है, उसे पता ही नहीं सर। सर ये एक ऐसा युद्ध है जहाँ आपको अपने शस्त्र अस्त्र खुद ही इकट्ठे करने पड़ेंगे, खुद ही उनको चलाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप ये लड़ाई नहीं जीत पाओगे सर। चाहे आपको जो भी अस्त्र शस्त्र जिसमें आपका महारत हासिल हो, उसका आपको ज्ञान तो खुद ही लेना पड़ेगा ना सर। अगर दूसरा आपको कोई वो दे भी देगा ना, तो आपको चलाने नहीं आएगा उसको, आप चलाओगे उसे, उसके मंत्र तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे सर चलाने के लिए। सही बात है, तभी आप आगे सक्सेस हो सकते हो सर इसमें। आपको एक्सरसाइज तो खुद ही करनी पड़ेगी सर, होमवर्क खुद ही करना पड़ेगा, मेहनत भी खुद ही पढ़नी पड़ेगी सर। हमने 8 साल तपस्या करी है सर बाजार में, बिल्कुल 2008 से लेकर 2016 तक, और कुछ नहीं कमाया, लिटरली कुछ नहीं कमाया, केवल और केवल जो थोड़े बहुत पैसे ब्रोकरेज के जुड़े वो जुड़े, बाकी वैसे कमाया कुछ नहीं, लेकिन उन 8 सालों की तपस्या अब रंग लाई है सर। 3-4 साल से 8 साल तक तो कुछ नहीं किया सर, सीखा ही सीखा है। और बाजार में ना सर, क्योंकि उस समय तो ये आपका स्टॉक एज भी नहीं था, ऐसे टूल्स भी नहीं थे, कुछ था ही नहीं सर, जो भी सीखा है ठोकर खा के सीखा है सर, नुकसान करके सीखा है सर, बहुत अच्छे अच्छे नुकसान करके सीखा है। वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जर्नी बाकी लोगों के लिए कम हो जाए, कम पेनफुल। मेरा भी प्रयास वही है कि सर जो गलतियां मैंने की वो गलतियां ना करें, इसलिए मेरे फिल्टर्स इतने ज्यादा लग गए कि इसमें गलती होने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाएगी सर जी। ऐसे बेसिक इन्वेस्टर ना, ये स्टार्टर के लिए है, या जिस जो बाजार में ज्यादा रिस्क लेना चाहता उसके लिए सर आइडियल स्ट्रेटजी है, इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपका फिल्ट्रेशन इतने हो जाते हैं। बाकी तो सर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है सर, जब आप जिसमें जितना डीपली इन्वॉल्व होंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सर। ये मेरी लर्निंग्स हैं बाजार में जो मैंने नुकसान करके सीखी हैं सर, ये अपना रिस्क आपको कैलकुलेट होना चाहिए पहले सौदा लेने से पहले। मैं आज भी मतलब अपना रिस्क पहले देखता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। बिना रिस्क के जितने भी ट्रेड लिए सर बड़े मतलब नुकसान हुए उसमें। और अपने पैसों पे काम करो, कभी दूसरे से बोरो मत करो, क्योंकि बोरो का पैसा ना आपको मतलब एक तो बोरो जब बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बची सर इतनी बड़ी बड़ी, तो हम छोटे मोटे ट्रेडर कैसे बच सकते हैं सर। वहां से सर टेंडेंसी चेंज हो जाती है, आपको ये लगता है कि भाई मुझे 1% तो इसमें ब्याज भी निकालना है, तो आप ना चाहते हुए भी कई सारे ऐसे काम करते हो जो आपको नुकसान में ले जाते हैं। सही बात, अपने पैसे पे आपको जवाब नहीं देना सर किसी को। सही बात,
वो आपको सेफ्टी प्रदान करता है सर। और अगर कोई ट्रेड या कोई इन्वेस्टमेंट आपको ट्रबल दे रही है और आपको लग रहा है यार ये मेरे को टेंशन दे रही है, अब उसे बाहर निकल जाओ सर, अपॉर्चुनिटी बहुत है सर, समुंदर है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, एक महीने बाद मिलेगा। सही बात, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन कहीं नहीं छूटती सर, पूरा वर्ल्ड है, ट्रेन वर्ल्ड के चक्कर लगाती रहती है, बस वही है कि आपको कहाँ और कहाँ से कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है, बस और कुछ नहीं है सर, बस साइकोलॉजी का गेम है सर। सर मेरे पास सर ये है कि पीस ऑफ माइंड मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बनस्पत की मेकिंग में। मेरा ये रहता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 95 नहीं होने चाहिए, मेरी कैलकुलेशन वहां जाए टूवर्ड्स ये रहती है कि नुकसान इसमें कम हो या ना हो। और स्टॉप लॉस सर आपका बिगेस्ट ट्रेंड है, मतलब ये आपको बहुत सारी चीजों से बचा देता है, आपको डिप्रेशन से बचा देता है, ये आपको नई ट्रेड लेने के लिए बाजार में रखता है, अदरवाइज आप 1-8 ट्रेड में इतना नुकसान कर लोगे मोरली खत्म हो जाता है दूसरी ट्रेड लेने का। और प्राइस मूवमेंट से सर कभी फाइट नहीं करना चाहिए, एक एक दिन में सर अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी, मैंने इन्फोसिस को 24% टूटते हुए देखा है सर एक दिन में, तो कभी भी ऐसी बढ़ने में है सर, मतलब आप कभी फाइट मत करो प्राइस से। मैंने बहुत फाइट करी है, कई बार ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, सर कुछ भी हो सकता है, फोर्सेस इतनी है सर बाजार में कि प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं होता सर। और नेवर इन्वेस्ट ट्रेड इन पुअर मैनेजमेंट कंपनी, ये मेरा क्राइटेरिया रहता है कि अगर कोई मैनेजमेंट मेरे को लगता है कि पैरामीटर्स उसके मेरे अकॉर्डिंग नहीं है या कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मेरे को लगता है, तो कंपनी चाहे कितनी बढ़िया हो सर, कितना उसका रिजल्ट बढ़िया हो, मैं उसमें फिर एलोकेशन या तो कम कर देता हूँ, नील के बराबर कर देता हूँ धीरे धीरे, मतलब मेरी बायसेस ये हो जाती है कि शेयर से मेरे को निकलना है। कभी भी एक कंपनी में एक सेक्टर में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, डाइवर्सिफ, अगर पोर्टफोलियो बहुत ही छोटा है, मान लिया 2-4-5 लाख का है, तो आप कर सकते हो एक दो कंपनी में, लेकिन जैसे जैसे पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए उस पोर्टफोलियो का। और लॉसेस सर कभी डरना नहीं चाहिए, मतलब कहने में तो थोड़ा सा मतलब वैसा लगता है, लॉस से सभी को डर लगता है, लॉस के लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन ये मार्केट ऐसा है कि अगर इसमें आपने बेचना नहीं सीखा ना तो आप इसमें पैसा नहीं कमा पाओगे, खरीदने से ज्यादा सर बेचना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको बेचना आता है ना, आप बहुत लंबा टिकोगे सर इस बाजार में। मैंने कई बार अपना पोर्टफोलियो जीरो किया है, लेकिन वो मेरे को अपॉर्चुनिटी देता है और नए एक नए सिरे से सोचने के लिए, तो आपको बेचना आना चाहिए सर। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो शुरू में 10-20% गिरती हैं, आप उससे नहीं एग्जिट हो पाते, आपका बिजनेस लग जाता है, नहीं सर, अगर कंपनी आपके समझ में नहीं आ रही तो आपको निकलना तो पड़ेगा उसमें से, और निकलना चाहिए सर। और लॉस को अपना सर टीचर बनाइए, मतलब एक तरह से उससे सीखिए। मैं आज भी मेरे सर 2008 से कॉन्ट्रैक्ट नोट वो मैं जरूर संभाल के रखता हूँ सर जिसमें मेरा नुकसान हुआ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेरे को लगता है ये मेरी गलती से नुकसान हुआ है, जो मेरे प्रॉफिट के कॉन्ट्रैक्ट नोट हैं उन्हें तो मैं मतलब राइट ऑफ, मतलब उनका मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे लॉस के कॉन्ट्रैक्ट नोट हैं, जब भी मैं मतलब फ्री होता हूँ या कुछ मेरे को एनालाइज करना होता है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट को जरूर वॉच करता हूँ सर, वो सबसे बड़ी लर्निंग है, वो गुरु है सर, वो ही आपको सिखा सकते हैं बाजार में, वो आपको आगे और गलतियों से बचाएंगे, मैं उन्हें संभाल के जरूर रखता हूँ सर, वो मेरी बिगेस्ट लर्निंग है सर। ये ग्रीड एंड फियर का बाजार है, जब ग्रीड होती है तो प्राइस बिल्कुल आसमान छू जाते हैं, यूनिट एक 64,000 बिक जाता है और जब प्राइस खराब होते हैं या फियर होता है तो सर वो ये मतलब बाजार में नीचे के सर्किट भी लग जाते हैं, आपको थोड़ा सा अपना बैलेंसेस बना के रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट मेरे लिए सर एक तरह से चेस का गेम है, जिसपे आपको अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी, अपने अनुसार चाल चलनी पड़ेगी, या मेरे लिए एक लूडो की तरह है जिसमें चाहे एक आए चाहे पांच आए चाहे छह आए, लेकिन आप अल्टीमेटली आगे बढ़ोगे। और मेरा ये रहता है कि मेरे को मेरा विकेट इसमें प्रोटेक्ट होना चाहिए, मेरे लिए T20 मैच नहीं है कि आज कमा लिया कल कमा लिया परसों कमा लिया, मेरा विकेट प्रोटेक्ट होना चाहिए, आई एम ए लॉन्ग टर्म प्लेयर सर, मेरे को अभी मैं हूँ पिछले 10 साल से हूँ, 10-20 साल रहना, मतलब मेरे को ये लेगेसी आगे पास ऑन करके जानी है सर, मेरा क्लियर है इसमें। और आई फॉलो डिसिप्लिन, मतलब रूल जो मेरे हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं मार्केट टाइम की कोशिश नहीं करता, बहुत बार कोशिश करी है सर उल्टा पड़ा है, किसी को नहीं पता बाजार कहाँ से बाउंस होगा, कहाँ ऊपर जाएगा, किस दिन नीचे जाएगा, मैं आज रोज सुबह मतलब इस बाजार में प्रिपेयर रहता हूँ कि आज 500 पॉइंट निफ्टी टूट गई तो मुझे क्या करना है, 500 बढ़ गई तो मुझे क्या करना है,
मैं हर दिन के लिए 500 पॉइंट के लिए प्रिपेयर होकर बैठता हूँ सर, कि 500 पॉइंट आज होंगे, मुझे उसमें कैसे सर्वाइव करना है, मुझे उसमें क्या ढूंढना है। ये डिस्क्लोजर है सर मेरा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी मैंने स्टॉक डिस्कस करे हैं उनमें मेरी पर्सनल मतलब बायसनेस हो सकती है, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा सर, आप अपनी रिसर्च करिए, और आपसे ज़्यादा आपका गुरु कोई नहीं हो सकता सर। जब आप उसमें रिसर्च करेंगे ना सर, आपका कॉन्फिडेंस उसमें आएगा, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको जिता सकता है सर। कोई कुछ भी बता दे, आपका कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो आप उसमें जो आपको मिलना है वो भी नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ शेयर बाजार में, ट्रेडिंग करता हूँ सर, मेरी उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस रहती हैं। बाकी मैं होल्डिंग्स अपनी जो है मेरी, उनको 200 ईएमए और मंथली 20 के पास एवरेज करने का इंटेंट रखता हूँ सर। करता भी सर। ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है ये मेरे पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये मतलब फॉलो की जाए। बस ये प्रेजेंटेशन है। सही है, सही है। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में आपने बहुत रेलेवेंट बात कर दी, और मैं चाहूंगा कि लोग ये साइंस जो रजनीश ने डिस्कशन की है ये फॉलो करें, थोड़ा बैक टेस्टिंग कर सके तो करें, फ्रंट टेस्टिंग करना चाहे फ्रंट टेस्टिंग करिए। रजनीश जी का ट्विटर हैंडल हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे, तो आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करिए रजनीश जी। अपेरेंटली लुक्स लाइक दैट ही इज वेरी हेल्पफुल पर्सन, सो आई एम श्योर ही विल हेल्प। हमारे स्टॉकेज क्लब के मेंबर भी है, तो मैंने वीडियो ही हेल्प करने के उद्देश्य से बनाई है कि जो मेरा निचोड़ है पिछले 10-12 सालों का वो मैं रिटेलर्स के सामने रख पाऊं, और जो गलतियां मैंने की हैं उनसे मैंने क्या निचोड़ निकाला या क्या मैंने उसमें फिल्टर्स लगाए जिससे कि आपकी वेल्थ भी जनरेट हो और आपको नुकसान ना हो। सर नुकसान जब होता है ना जो, तो उसको रिकवर करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है ना वो आपका टाइम भी खराब करती है, आपका माइंड भी खराब करती है, और आपके अंदर से एक पॉजिटिवनेस को भी कम करती है। क्योंकि हम जिस साइकोलॉजी में, जिस इंडिया में है ना, वहाँ स्टॉक मार्केट आज भी एक एसेट क्लास की तरह नहीं ट्रीट की जाती। कहीं ना कहीं इवन हमारे घर में भी सब जिस दिन बाजार गिरता है ना उस दिन सबके फोन आते हैं कि भाई ठीक ठाक है। तो एक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गैम्बलिंग से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर ये एसेट क्लास ही है, और जो इसको समझ गया वो फिर वेल्थ बनाता है। सही है। थैंक यू रजीश जी, और थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आकर जो भी मेरा जीवन का निचोड़ है वो शेयर कर पाऊँ, और रिटेलर्स की कहीं भी किसी भी वे में अब भी आगे भी कोई मदद हो तो कर पाऊँ सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, और आपको भी प्रणाम, एंड आई होप पीपल विल फाइंड वैल्यू इन दिस लर्निंग। और हमारे जो लर्नर्स है वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो प्लीज आप ट्विटर पे कोई भी करे डीएम, तो आप डेफिनेटली लोगों को हेल्प करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय 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 दोस्तों। नए वीडियो के लिए बस ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इंतजार चालू रखिए। बाय बाय, टेक केयर।